नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज एक बार फिर मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन हैंड, यानी कि अगर आपके हाथों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, जिसे आरए भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए तो आपको किस तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे और वो क्या एक्सरसाइज है जिन्हें फॉलो करके हम इसे ठीक कर सकते हैं, यानी घर पर बैठे ही हम उन एक्सरसाइज को फॉलो करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी डिजीज को ट्रीट कर सके। इसके साथ साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको एक मैजिकल ट्रिक भी बताई जाएगी, जिसे फॉलो करके आपके हाथों में जो अकड़न महसूस होती है, यानी कि बहुत ज्यादा पेन आना शुरू हो जाता है, उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें उस मैजिकल ट्रिक के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके हाथ में, पैर में, कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके हाथों में हो जाए तो आपके हाथों में जो छोटे छोटे जॉइंट है ये काफी ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, यानी कि इनमें आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग दिखाई देगी, बहुत ज्यादा स्टिफनेस महसूस होगी, आपकी ग्रिपिंग मूवमेंट, आपके फ्लेक्शन जो फिंगर्स का हो पाता है वो आप नहीं कर पाओगे, यानी कि बहुत सिंपल सी जो एक्टिविटी होती है उन्हें आप नहीं कर पाओगे। आप किसी भी चीज को होल्ड करना या फिर डोर को इस तरह से नोक को ट्विस्ट करना, ये मूवमेंट करना आपके लिए काफी पेनफुल हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आपकी जो डेली एक्टिविटी होती है, जो नॉर्मल आप करते हैं, आपके लिए वो भी काफी डिफिकल्ट हो जाएंगी, यानी कि आपके लिए वो एक तरह से टास्क बन जाएंगी, क्योंकि आपके जो इन फिंगर्स में स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है, उसकी वजह से आप अपने हाथों की एक्टिविटी कर पाने में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट और पेन महसूस करते हैं। तो अगर आपके हाथों में ये इस तरह की सिम्टम आने स्टार्ट हो जाए तो आपको इस 7 एक्सरसाइज करके इनको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो का अलर्ट हमेशा आप तक पहुंच सके। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, इसको हम बोलते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। इसमें आपको इस तरह से फ्लेक्स करना है और इस फ्लेक्शन को आपको होल्ड करना है फॉर 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। फिर से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आपको दिन में 10 बार दोहराना है, यानी कि सुबह 10 बार करिए, दोपहर को 10 बार करना है और शाम को भी इसको आपको 10 बार दोहराना है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकेंड आपकी एक्सरसाइज है टेंडन ग्लाइड, यानी कि हमारे हाथ में इस तरह से पूरा टेंडन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इस तरह की मूवमेंट कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारे टेंडन में भी स्टिफनेस हो जाए तो हम इस तरह की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो टेंडन की ग्लाइड को बनाए रखने के लिए हमको ये एक्सरसाइज करनी है। तो इस एक्सरसाइज को किस तरीके से करना है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, पहले आपको थोड़ा फिंगर को फ्लेक्स करना है, फिर धीरे धीरे इस तरीके से आपको फिर पूरा एक फिस्ट बना देना है, फिर स्लोली स्लोली आपको उसको फिर रिपीट करना है। फिर से करते हैं इस तरीके से पूरा कंप्लीट एंड देन स्लोली स्लोली रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आपको मॉर्निंग में 10 टाइम्स और दोपहर को भी 10 बार और शाम को भी 10 बार दोहराना है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। थर्ड हमारी एक्सरसाइज है, यानी कि इसके लिए आपको किसी बॉल की या फिर आप किसी सॉफ्ट क्लॉथ को यूज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इस तरह का आप सॉफ्ट या जेल बॉल ले सकते हैं, या आपको इजीली किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, फिजियो बॉल या फिर स्माइली बॉल भी इसमें यूज कर सकते हैं। बॉल को आपको इस तरीके से पकड़ना है और फिर उसको प्रेस करना है लाइक दिस एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। फिर से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी आपको सुबह 10 बार और दोपहर को 10 बार और शाम को भी 10 बार दोहरानी है। इससे क्या होगा, इससे आपको और बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप रेपिटेशन करेंगे इस एक्सरसाइज को, जितना दोहराएंगे, तो आपकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी और आपके लिए काम कर पाना काफी इजी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको जो ये पिंच ग्रिप होती है, यानी कि इस तरह से जो आपकी बहुत स्मॉल ग्रिप होती है, जो आप नहीं कर पाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की वजह से, तो इसको भी हमको करेक्ट करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस पे आपको क्या करना है, आपको इस तरह का बॉल यूज में लेना है और आपको फर्स्ट ये फिंगर को यूज करना है और इसकी ग्रिप को स्ट्रेंथ करनी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। अब सेकंड फिंगर का यूज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। थर्ड फिंगर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। देन लास्ट फिंगर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स।
चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज के बारे में। फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको रेडियल डेविएशन करना है, यानी कि जो आपकी थंब की साइड है इस तरफ से आपका रेडियल नर्व जाती है। आपको इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको थंब की ओर अपनी फिंगर को एक एक करके लाना है, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 एंड 4 एंड देन होल्ड फॉर 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। फिर से देखिए 1 2 3 4 देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। इसका रेपिटेशन भी आपको सेम यही रखना है, मॉर्निंग में आपको करना है 10 टाइम्स, देन आफ्टरनून में एंड देन इवनिंग में 10 टाइम्स इसको रिपीट करता है। चलिए अब बात करते हैं सिक्स्थ एक्सरसाइज के बारे में। सिक्स्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जो आपकी फिंगर्स की अडक्टर्स मसल्स होती है, यानी कि जिसकी वजह से हम इस तरह से ग्रिप कर पाते हैं अपनी फिंगर्स के बीच में, तो वो स्ट्रेंथनिंग आपकी कम हो जाती है। तो उस स्ट्रेंथनिंग को बनाए रखने के लिए हमको ये एक्सरसाइज फॉलो करनी है। इसमें आपको एक पेपर की जरूरत पड़ेगी, इस तरह से उसको फोल्ड कर लेना है, फिर फिंगर्स के बीच में इस तरह से रखना है, देखिए पूरा होल्ड करना है, यानी कि पेपर गिरना नहीं चाहिए, देन होल्ड फॉर 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको दिखाते हैं, फिर दूसरी फिंगर में देना है इसको एंड होल्ड 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट होल्ड फॉर 5 सेकंड 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज करोगे तो जो आपकी अडक्टर्स मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, आपके लिए काम करना इजी हो जाएगा और आपकी ग्रिपिंग भी काफी इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज के बारे में। लास्ट हमारी एक्सरसाइज है रिस्ट का सर्कमडक्शन। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी रिस्ट को इस तरह से सर्कमडक्शन यानी कि इस तरह से गोल गोल घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज फॉलो करनी है, जिससे आपके हाथों में जो स्टिफनेस आ रही है आपका पेन का लेवल भी कम होगा, इसके साथ साथ ही आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगी। तो जिन भी लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है या फिर जिनकी पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है, उनको हाथों में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो इन एक्सरसाइज को फॉलो करके वो इस बीमारी से यानी कि इससे छुटकारा पा सकते हैं, अपने पेन को कम कर सकते हैं और उसकी स्टिफनेस को भी कम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस मैजिकल ट्रिक के बारे में, यानी कि उसको क्या किस तरीके से करना है, उसका बेनिफिट क्या होगा। सुबह सुबह जब देखते हैं आप इस तरह के पेशेंट में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आती है, वो अपने हाथों को ना मोड़ पाते हैं ना सीधा कर पाते हैं, एक तरह से उनका हाथ उधर ही अटक जाता है जिस पोजीशन में वो रात को होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ल्यूकवॉर्म वाटर लेना है, उसमें आपको नमक डाल लेना है, उसके बाद उसको क्या करना है, इस तरीके से हाथ को उसमें डिप करके रखना है और फिर आपको स्लोली स्लोली मूवमेंट करनी, यानी कि जितना आप धीरे धीरे उसको हाथ को उसमें चला पाए, 10 से 15 मिनट तक को आपको एक्सरसाइज करनी है, जब तक वो पानी आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। इससे क्या होगा, आपके एक तो स्टिफनेस कम हो जाएगी ल्यूकवॉर्म वाटर की वजह से, और जो आपने उसमें सॉल्ट ऐड किया है उसकी वजह से क्या होगा, आपका स्वेलिंग और पेन भी कम होगा। तो इस ट्रिक के साथ साथ आप इन एक्सरसाइज को जरूर फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड हमें कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सरसाइज करने से कितना रिलीफ मिला है। इसके साथ साथ ही अगर आपको और भी कोई ऑर्थोरिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि आपको नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, जो भी आपको समस्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम ट्राई करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन दे पाए। तो वीडियो को शेयर करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।